गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, नव भारती स्टडी सर्कल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मौर्य साम्राज्य का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साहित्य के बारे में डिस्कस किया था कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस नीच की इंडिका, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस आदि के माध्यम से चलता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त जिसने सेल्यूकस को पराजित किया, सिकंदर के द्वारा स्थापित जो मंत्री यहाँ पर थे उनको हरा करके पंजाब पर आधिपत्य स्थापित किया, ऐसे थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपनी सीमा उत्तर से लेकर दक्षिण, पश्चिम से लेकर पूर्व तक समस्त भारत में एक छत्र साम्राज्य को स्थापित करने वाले थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने उत्तर में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में मकरांत से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक जिनकी सीमा का विस्तार था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था मेगस नीच जो सेल्यूकस का राजदूत था और इसी के द्वारा इंडिका लिखी गई जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। अब मैं आज आपको जो पढ़ा रही हूँ वो है आपका बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम वर्षों में स्वर्ण वेल होला नामक स्थान पर जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था। इसके बाद बिंदुसार की अगर हम बात करें तो बिंदुसार को पुराणों में नंदसार, सिंहसार और वारीसार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में बिंदुसार को वज्रसेन के नाम से जाना जाता है। पिछले कंपटीशन एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किया गया है विद्यार्थियों, तो आपको इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है कि बिंदुसार को किन किन नामों से जाना गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, पुराणों में नंदसार, सिंहसार, भद्रसार और वारीसार के नाम से जाना गया। इसके अलावा जैन साहित्य में वज्रसेन के नाम से जाना गया। यूनानी साहित्यकार इन्हें अमित्रोचेटस के नाम से जानते थे, अमित्रोचेटस, अलिट्रोचेटस के नाम से जानते थे, जिसका हिंदी में रूपांतर है विद्यार्थियों अमित्रोघात। ठीक है विद्यार्थियों, इसके अलावा अगर हम बात करें कि बिंदुसार के बारे में तो चीनी साहित्य के आधार पर, कौन से साहित्य के आधार पर विद्यार्थियों, चीनी साहित्य के आधार पर अगर हम बात करें तो चीनी साहित्य के आधार पर इसका नाम था बिंदुपाल। क्या था विद्यार्थियों? बिंदुपाल था। ठीक है, और हमारा संस्कृत साहित्य में इसको यूनानी साहित्य ने जो अमित्रोचेटस था उसका रूपांतरण जो माना जाता है वो अमित्रोघात माना जाता है। अब बात करते हैं कि बिंदुसार ने कार्य क्या किया। तो बिंदुसार के समय जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों वो है आपका तक्षशिला में विद्रोह। कहां पर विद्रोह? तक्षशिला में। इसके शासनकाल में विद्यार्थी दो विद्रोह हुए और एक विद्रोह का नेतृत्व अशोक ने किया था और अशोक ने तक्षशिला में जो विद्रोह किया था उसके बाद तक्षशिला में इसको सफलता मिली थी और बिंदुसार ने अशोक को उज्जैनी का शासक बना दिया। कहाँ का विद्यार्थियों? उज्जैनी का शासक बना दिया था। किसको? अशोक, जो कि उसका पुत्र था माना जाता है। इसके अलावा इसके 99 भाई भी थे, उनके बारे में डिस्कस हम आगे के वीडियोस में करेंगे विद्यार्थियों। अभी आपको इतना ही समझना है कि तक्षशिला के एक विद्रोह का नेतृत्व अशोक ने किया था और इसके बाद ही बिंदुसार ने उज्जैनी का शासक बना दिया था। किसको? अशोक को। उसके बाद अगर हम बिंदुसार को जानते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों, और RS3 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या है देखो, एंटियोक्स। एंटियोक्स फर्स्ट जो कि सीरिया का शासक था। कहां का शासक था विद्यार्थियों? सीरिया का शासक था। कौन? एंटियोक्स फर्स्ट। इसको बिंदुसार ने कहा कि आप अपने यहां से मदिरा जो है और अंजीर और मदिरा जो है वो हमें भेजिए, लेकिन विद्यार्थियों इसके अलावा दार्शनिक,
ये हमारे यहाँ भेजिए। आपके बिंदुसार के कहने पर एंटीऑक्स ने मदिरा भेज दी, अंजीर भेज दी, लेकिन दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि यूनानी परंपरा के अनुसार ऐसा करना क्या था, गलत था। इसलिए एंटीऑक्स फर्स्ट के साथ अपना संबंध स्थापित किया था बिंदुसार ने, इसीलिए बिंदुसार को भारत का प्रथम सिजेरियन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बिंदुसार को। बिंदुसार को भारत का प्रथम सिजेरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम सिजेरियन किसको कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है, क्योंकि सीरिया के शासक एंटीऑक्स फर्स्ट के साथ अपना तालमेल, अपना संबंध स्थापित करने वाले थे आपके बिंदुसार। ये आरएस प्री में विद्यार्थियों पूछा गया है और आपके रीट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा सकता है बिंदुसार के उपनामों के बारे में, एक पूछा जा सकता है तक्षशिला विद्रोह के बाद अशोक को कहां का शासक बनाया गया? उज्जैनी का शासक बनाया गया। ये हो गया आपका विद्यार्थियों क्या? बिंदुसार। अब अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में, जहां से मान के चलना विद्यार्थियों, एक या दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, निश्चित है। इसलिए अशोक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिए विद्यार्थियों। देखिए, अशोक, अशोक सम्राट, महान सम्राट अशोक, जिसका नाम जो है ना केवल भारत बल्कि विश्व में भी आज भी जिसको जाना जाता है, इतिहास में जिसका सबसे इंपॉर्टेंट योगदान माना जाता है, जिसके शिलालेख और अभिलेखों की आज भी पहचान बनी हुई है, वो है आपका महान सम्राट अशोक, जो कि बिंदुसार का पुत्र था। इस महान सम्राट अशोक का राज्याभिषेक और राज्यारोहण, ध्यान रखना इसका, राज्यारोहण और राज्याभिषेक, राज्यारोहण जो किया गया वो 273 में किया गया, लेकिन आंतरिक कलह के कारण, अपने गृह कलेश के कारण इसका राज्याभिषेक 4 साल बाद 269 में किया गया था। इसलिए दो काल ध्यान रखना, राज्यारोहण और राज्याभिषेक। राज्यारोहण किया गया 273 में और राज्याभिषेक जो किया गया था महान सम्राट अशोक का, वो किया गया था आपका 269 में। और 269 के 8 साल बाद अशोक ने जो युद्ध किया, सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध जिसे कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है, वो हुआ था विद्यार्थियों 261 में। ये तीनों फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, तीन तिथियां आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? देखिए, 273 में हुआ राज्यारोहण। क्या हुआ विद्यार्थियों? 273 में हुआ राज्यारोहण। और राज्याभिषेक की बात करें तो 269 में हुआ राज्याभिषेक। इन 4 सालों में क्या होता है विद्यार्थियों? अशोक को अपने भाइयों के साथ जो आंतरिक कलह था उसको निपटने में 4 साल लग गए थे, इसीलिए अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 में हुआ। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फैक्ट्स भी पिछले भी एग्जाम्स में पूछा गया है विद्यार्थियों, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि अशोक जो था, अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में जो किया वो किया 261 में कलिंग युद्ध। और इस कलिंग युद्ध ने महान सम्राट अशोक की दुनिया ही बदल दी। धर्म युद्ध को छोड़कर धम्म युद्ध, धम्म को अपना लिया महान सम्राट अशोक ने, जिसकी डिटेल्स हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी आपको इतना ही समझना है क्या, कि अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था। 3 फैक्ट्स याद होने चाहिए। पहला, 273 राज्यारोहण, 269 राज्याभिषेक और 261 कलिंग युद्ध। ये तीनों फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए विद्यार्थियों। अब आगे देखिए, अब बात ये आती है कि अशोक के अभिलेखों से हमें अशोक के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है, और अशोक के अभिलेखों को खोजने वाला था टिफेनकुलर। 1750 में टिफेनकुलर ने सबसे पहले अशोक के एक अभिलेख को खोजा था। उस अभिलेख का नाम है दिल्ली मेरठ। इस दिल्ली मेरठ के अभिलेख को खोजने वाला पहला व्यक्ति था टिफेनकुलर। टिफेनकुलर के बाद में
जेम्स प्रिसेप हुए और कई ऐसे इतिहासकार हुए जिन्होंने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। और आज हमारे सामने कई शिलालेख, कई लघु शिलालेख, स्तंभले और गुहाले, ये सब हमारे सामने है विद्यार्थियों। अब बात आता है अशोक का नाम। देखो विद्यार्थियों, अशोक के नाम की अगर हम बात करें, अशोक के नाम की अगर हम बात करें तो मगधाधिराज हमें अशोक का एक जो लघु शिलालेख मिलता है वो मिलता है विद्यार्थियों भाबरू में। नाम सुना होगा भाबरू का। भाबरू का नाम तो आप सब राजस्थान के निवासी है तो सब भाबरू का नाम से परिचित हो। भाबरू शिलालेख की अगर हम बात करें तो भाबरू शिलालेख अशोक के समय का शिलालेख माना जाता है। बेराट की जो पहाड़ियां हैं वहां पर आपको भाबरू शिलालेख देखने को मिलता है। और इसी भाबरू शिलालेख में बोध धम्म क्या है, धम्म क्या है, इसके बारे में बताता है भाबरू शिलालेख। और आज ये भाबरू शिलालेख कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित पड़ा हुआ है। इसकी लैंग्वेज बाकी लघु शिलालेखों से अलग देखने को मिलती है विद्यार्थियों। तो भाबरू शिलालेख से हमें अशोक के द्वारा जिस धम्म की बात कही गई है, जिस बोध धम्म की बात की गई है, जिस धम्म नीति की बात की गई है, इसके बारे में बताता है हमें भाबरू शिलालेख। भाबरू शिलालेख के बाद अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो ये बैराट की पहाड़ियों से मिला और आज जो है इसे कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। तो इस भाबरू शिलालेख में ही अशोक का नाम मिलता है मगधाधिराज। देखो बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से रीट एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं, कई बार पूछा गया है अशोक के नाम से कि अशोक के कौन कौन से ऐसे शिलालेख है जिसमें उसका नाम अशोक है। तो अशोक के चार ऐसे शिलालेख है या अशोक के ऐसे चार ऐसे लेख है जिनसे हमें पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक था। कई जगह उसे मगधाधिराज, कई जगह देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, कई नामों से अशोक को संबोधित किया गया, लेकिन कहीं पर भी अशोक का नाम नहीं मिलता है विद्यार्थियों। ज्यादातर जगह पर आपको मगधाधिराज, और इसी मगधाधिराज के बारे में कहा गया है भाबरू शिलालेख में। तो ध्यान रखना है, मगधाधिराज अशोक को कहा है भाबरू शिलालेख में। अशोक वर्धन मिलता है विष्णु पुराणों में। इसके अलावा प्रियदर्शी जो गुहालेख है आपको पता है, सुदामा, विश्व झोपड़ी, ये जो जो गुहालेख है इन गुहालेखों में हमें अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। अब बात आती है बच्चों, अशोक नाम कहाँ से मिलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अशोक नाम मिलता कहाँ पर है। तो अशोक चार ऐसे शिलालेख है जिनसे हमें पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक था। ऐसे कौन से चार है जहां पर हमें पता चलता है कि अशोक का नाम क्या था, अशोक था, वो कौन कौन से हैं? मास्की, गुर्जरा, उदय गोलम और निट्टूर। ये चार ऐसी जगह है विद्यार्थियों जहां पर हमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की पड़ता है विद्यार्थियों कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों? कर्नाटक में पड़ता है। गुर्जरा आपका एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी, मध्य प्रदेश में पड़ता है। मास्की आपका कर्नाटक में पड़ता है। उदय गोलम आपका कहाँ पड़ता है? उदय गोलम गुर्जरा आपका एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों? एमपी में पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें उदय गोलम की, उदय गोलम और निट्टूर ये दोनों भी कहाँ पर पड़ते हैं? कर्नाटक में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? कर्नाटक में पढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा विद्यार्थियों, आपको इस बात का ध्यान रखना है अशोक का नाम अशोक चार जगह पर मिलता है, मास्की, गुर्जरा, उदय गोलम और निट्टू। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर बिंदुसार के बारे में समझा दिया है जो मैं आपको बोर्ड पर लिखवा रही हूँ। साथ में आपको लिखना है, समझना है विद्यार्थियों। अगर आपको रीट एग्जाम में सफल होना है तो मेरे वीडियो पर बने रहिए,
नव भारती स्टडी सर्कल से जुड़े रहिए विद्यार्थियों। तो आपने क्या देखा विद्यार्थियों, आपने देखा कि अशोक का नाम अशोक जो है चार जगह पर मिलता है, मास्की, गुर्जरा, उदय गोलम और निट्टूर। मास्की कर्नाटक में, गुर्जरा एमपी में, उदय गोलम और निट्टूर कर्नाटक में, ये चार जगह पर। अब बात आती है अशोक की भाषा की, किसकी बात आती है अशोक की भाषा की। अगर हम बात करें तो तीन भाषाएं हमें देखने को मिलती है अभिलेखों में, वो है आपकी प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्ठी। प्राकृत, ब्राह्मी और खरोष्ठी, ये तीन तो है बच्चों लिपि। और भाषाएं क्या है वो देख लीजिए आपके, प्राकृत यूनानी, क्या है यूनानी। खरोष्ठी जो है आपकी तीन भाषाएं थी, यूनानी, अरेमाइक और आपकी ब्राह्मी, देवनागरी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब बात आती है कि अशोक के जितने भी अभिलेख भारत में मिले हैं, अशोक के जितने भी अभिलेख भारत में मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में है विद्यार्थियों, ब्राह्मी लिपि में है। और उनकी जो भाषा है वो कौन सी है, प्राकृत, प्राकृत भाषा। और आपकी जो प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में ज्यादातर जो अभिलेख मिलते हैं वो भारत में मिलते हैं। बात रही पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जिस लिपि में अशोक के अभिलेख मिलते हैं वो है आपकी खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि है, खरोष्ठी लिपि में जो है ये ग्रंथ मिलते हैं। और यहाँ पर भी कौन सी भाषा है विद्यार्थियों, प्राकृत भाषा में ही ये लिखी गई है। इसके बात करें इसकी आपके अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वाले इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लिपि मिली है वो है अरेमाइका में। अरेमाइका लिपि में यहाँ पर अशोक के अभिलेखों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। जबकि जो अगर हम ब्राह्मी लिपि की बात करें, दो लिपियों की बात करी हमने, ब्राह्मी लिपि, और दूसरी बात करते हैं हम खरोष्ठी लिपि की। खरोष्ठी लिपि पाकिस्तान, ब्राह्मी लिपि में अभिलेख भारत में, अरेमाइका लिपि में अफगानिस्तान और जो पश्चिमोत्तर जो इलाके थे वहां पर जिस भाषा का यूज किया गया वो थी आपकी अरेमाइका। अब बात करते हैं विद्यार्थियों कि जो ब्राह्मी लिपि है कौन सी लिपि है। ब्राह्मी लिखी जो लिखी जाती थी वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ध्यान रखना है विद्यार्थियों, इसमें से भी रीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं, वैसे बाईं। खरोष्ठी लिपि इसका उल्टा कर लो विद्यार्थियों, दाईं से बाईं, ठीक है। तो ध्यान रखना है ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी बाईं से दाईं और खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाईं से बाईं। अशोक के जितने भी अभिलेख लिखे गए भारत में वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि में मिले हैं और अफगानिस्तान इन जगहों पर अरेमाइका लिपि में लिखे गए हैं। तीन लिपि अरेमाइका, ठीक है। तो ये जो तीन लिपियां हैं और इन भाषाओं के आधार पर हम अशोक के अभिलेखों को निम्न भागों में बांट सकते हैं विद्यार्थियों, वो देखिए। आज हम अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। हमने पढ़ ही लिया राज्यारोहण वाले में से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, अशोक के नामों में और अशोक की भाषाएं, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। और इसको समझने के लिए आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए और आगामी रीट जो होने वाली है उसमें जो जो क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं जा पाएगा विद्यार्थियों, मैं सारे टॉपिक्स क्लियर करवा रही हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो पर बने रहिए। देखिए विद्यार्थियों, अशोक के जो अभिलेख है, अशोक के जो अभिलेख है उसे हम कई भागों में बांट सकते हैं विद्यार्थियों। भाषा की हमने बात कर ली, अब अशोक के अभिलेखों में पहला आता है विद्यार्थियों शिलालेख। क्या आते हैं, शिलालेख। फिर आता है स्तंभलेख और एक आता है बच्चों गुहालेख। ये तीन लेख हमें अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलती है। शिलालेख, बड़ी बड़ी शिलाओं पर जो लेख लिखे गए हैं उसे शिलालेख कहा गया।
शिलालेखों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक बोल सकते हो वृहत शिलालेख और एक बोल सकते हो लघु शिलालेख। वृहत शिलालेख और लघु शिलालेख, और दूसरा बोल सकते हो आप ये शिलाओं पर उत्तीर्ण है। स्तंभ लेख स्तंभों पर है, और स्तंभ लेख जो है इसमें भी स्तंभ लेख बड़े और दूसरा आ गया आपका लघु। गुहा लेखो दो के कारण लिखी गई, एक तो अशोक और एक आपका दशरथ। इन दोनों के द्वारा जो है आजीविक संप्रदाय से संबंधित क्या लिखे गई, इन गुहा लेखों पर चित्र सॉरी अभिलेख उत्कीर्ण करवाए गए। तो अशोक के अभिलेखों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं विद्यार्थियों, वृहत शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेखों में पहला है वृहत शिलालेख, दूसरा है लघु शिलालेख। वृहत शिलालेखों की बात करें विद्यार्थियों तो ये 8 स्थानों से मिले हैं, ये 21 स्थानों से मिले हैं। इसके अलावा स्तंभ लेख आपके 7 जगह पर 7 स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं, सॉरी 6 स्थानों से 7-7 प्राप्त हुए हैं, 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। वृहत शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक ही भाषा एक ही चीजें देखने को मिलती है, वो है आपका वृहत शिलालेख। लघु शिलालेख में भी एक जैसी चीजें हैं, ऊपर नीचे एक या दो जो है लघु शिलालेखों में जो वर्णन है वो कम है, जबकि वृहत शिलालेखों में 14 बातें कही गई है। एक ही बात दूसरे में है, 8 स्थानों पर एक ही चीजें लिखी गई है, वो है वृहत शिलालेख, और 8 स्थानों से प्राप्त हुई है। इनकी डिटेल्स हम आगे के वीडियोस में देखेंगे विद्यार्थियों, आज मैं केवल ये बता रही हूँ कि वृहत शिलालेख 8 स्थानों से, लघु शिलालेख 21 स्थानों से, स्तंभ लेख 6 स्थानों से, लघु स्तंभ लेख सांची सारनाथ काफी जगहों पर मिले हैं। गुहा लेखों में मैंने बता दिया दशरथ और आपका आता है अशोक, यहां से हमें ये मिलते हैं। अब अशोक के वृहत शिलालेखों में जो कि 8 स्थानों पर मिले हैं उनमें किन किन बातों का समावेश किया गया है, ये हम विद्यार्थियों आगे के वीडियोस में देखेंगे। और अशोक के शिलालेखों में से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ना केवल रीट ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, पटवारी की जो आपकी भर्ती आने वाली है उसमें भी आपके अशोक वाला चैप्टर्स है। तो आपको अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, जितना मैं आपको क्लियर करवा सकती हूँ उतना क्लियर करवाऊंगी विद्यार्थियों, तो आप मेरे इस नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवा सकूं। सफलता आपको जरूर मिलेगी, मेहनत करते जाइए, टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए, तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओगे विद्यार्थियों। धन्यवाद।